व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मेरी डॉटर का बर्थडे है, 17 नवंबर है उसका बर्थडे। तो आज के दिन उसका जन्म हुआ था और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम उसके बर्थडे पे अकेले हैं, वरना हर बार उसके दादा दादी, बुआ, मेरी मासी सास, उनके बच्चे सब रहते हैं। बट फिर उसको अकेला ना रहे, इसलिए हमने इस बार उसका बर्थडे फ्रेंड्स के साथ मनाने का डिसाइड किया है। तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। फटाफट स्कूल से घर पे आई। उसका बर्थडे हमने स्कूल में भी सेलिब्रेट किया था। स्कूल में चॉकलेट्स अलाउड नहीं है, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गई थी, तैयार होके गई थी, बड़ों के ब्लेसिंग्स लिए उसने। और अभी मैंने उसको सुला दिया है, आके फटाफट घर का सारा काम कर दिया और अब मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं अकेली कर रही हूँ क्योंकि उसके पापा को आज हॉलीडे नहीं मिली ऑफिस से। कोई बात नहीं, उसके पापा आएंगे तो मेरी हेल्प कर लेंगे। फिलहाल मैं उतना कर लेती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। तो आप इस वीडियो को फटाफट से बहुत सारे लाइक्स दे दीजिए एज अ गिफ्ट, क्योंकि मेरी डॉटर को आप कुछ और नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारे लाइक दे दीजिए गिफ्ट के रूप में, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और ये पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। बलून फुलाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है जिसे मैं अभी फिलहाल अकेली कर रही हूँ। हर बार मेरे हस्बैंड, उसके दादा, व्हाट नॉट सब करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी मैंने इस बार उसके लिए कौन सा स्पेशल केक ऑर्डर किया है। आपने उसके बर्थडे में, अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे हैं तो उसमें आप ज़रूर देखना, मैंने उसके हर बर्थडे पे कुछ अलग अलग केक्स लाए हैं। पहले बॉम केक लाया है, प्रिंसेस केक लाई हूँ, फिर उसका फर्स्ट बर्थडे पे उसका फ़ोटो केक लाई थी। तो इस बार भी फ़ोटो केक ही है, बट फोटो केक पे किसका फ़ोटो है उसके लिए आपको तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हो जाता है ना कभी कभी ऐसा, आप फुलाते हो फुलाते फुलाते बलून हो जाता है। उसको फुलाते फुलाते लगता है मेरी बॉडी की सारी हवा इसी में निकल जाने वाली है। मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं दिखने नहीं वाली, बोलेंगे कहाँ पे है, मैं बोली बलून में देखो। तो अभी अभी लाइट गई थी, तो लाइट तो आ जाएगी, पर आप देखिए मैंने कितने सारे बलून्स को ब्लो किया है। बहुत सारे बलून्स मैंने ब्लो किए हैं और देखती हूँ अभी कितने बलून्स की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो अभी केवरी जाग रही होती तो मज़ा आ जाता मुझे, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, वो सोई है तो ही मैं फटाफट काम कर सकती हूँ, वरना वो मुझे इतने क्वेश्चंस पूछती कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती। तो चलिए, छोटे से बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आ गए हैं उसके सारे फ्रेंड्स और हम कर रहे हैं डांस। फलक है, मंत्र है, केवरी है, जनीश है, तो इनके सारे फ्रेंड्स ने डांस पार्टी का एंजॉय कर रहे हैं। बर्थडे पार्टी में सब आके बहुत खुश है। सब ट्यूशन में गए थे इसलिए मैंने थोड़ी लेट पार्टी चालू की थी और अब सब मज़े कर रहे हैं।
बस अब एक डांस बताई दे। करो करो यस। वेरी गुड। उसके सारे फ्रेंड्स ग्रुप में सिर्फ केयूरी और फलक ही गर्ल्स है, बाकी सब उसके फ्रेंड्स बॉयज हैं। तो अगर वो फलक भी नहीं होती तो सिर्फ उसके फ्रेंड्स में से बॉयज रहते। और मज़े की बात यह है कि उसके सारे फ्रेंड्स उसके उम्र से 3-4 साल बड़े हैं, सिर्फ फलक उससे 3 साल छोटी है, बाकी सब उससे 3-4 साल बड़े हैं। फिर उसने केक की कट करके खिलाई उसकी मम्मी को, उसके पापा को, और फिर उसने अपने सारे फ्रेंड्स को केक खिलाई। तो मैं एक एक करके सबका नाम बताऊंगी। ये है उसका फ्रेंड देवांत, जिसे अभी वो केक खिला रही है। फिर उसका दूसरा फ्रेंड है जो लाइट कलर की शर्ट में है, सॉरी टी शर्ट में है, मयंक, उसे केक खिला रही है। और अब बारी आती है मंत्र की, जो ऑरेंज एंड वाइट स्ट्रिप शर्ट टी शर्ट में है। एंड देन मैं टी शर्ट और शर्ट में बहुत कंफ्यूज हो जाता है जल्दी, मैं नहीं ध्यान रहता है। और ये है हमारे नेबर, उनका बेटा जनीश। तो हमने, मेरी बेटी ने इन सबको भी केक खिलाया, लास्ट में खुद केक खा गए और भूल गए कि फलक को केक खिलाना बाकी था। तो हमने बोला बेटा फलक को केक खिला दो, तो उसने फिर फलक को भी केक खिलाया। फलक को केक ज़्यादा पसंद नहीं, तो उसकी मम्मी ने बोला छोटा सा बाइट ही दे दो उसको, और उसने फिर उसको छोटा सा बाइट दे दिया। तो अब सिलसिला शुरू हो जाता है गिफ्ट का। जी हाँ, कोई भी बर्थडे पार्टी गिफ्ट के बिना बिल्कुल अधूरी रहती है। तो अब केवरी सबसे गिफ्ट ले रही है, वो मांग मांग के ले रही, क्योंकि उसके लिए बर्थडे का मतलब है केक काटना और डांस करना और गिफ्ट लेना। और सबसे गिफ्ट लेने के बाद सबको मैं बिठा देती हूँ लाइन से, और मैंने सबके लिए बनाई है मैगी मैगी मैगी। तो 2 मिनट्स मैगी नूडल्स बनाई है मैंने इन सबके लिए, नाश्ते में बनाई है। बच्चों को ज़्यादा करके नाश्ते में मैगी ज़्यादा पसंद होती है, और तो मुझे नहीं पता वो क्या खाते हैं। मेरी डॉटर तो तीखा भी नहीं खाती है, तो मैगी बनाते हैं तो सब बड़े दिल से खाते हैं। तो हमने खिलाई केक, मैगी, और अभी भी एक चीज़ खिलानी उन सबको बाकी है, जो हम उनको लास्ट में खिलाएंगे। और पता है, इतना मैगी खाने के बाद, केक खाने के बाद, डांस करने के बाद, इनका डांस फिर से शुरू हो गया। डांस ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे बर्थडे पार्टी को, और मुझे भी अच्छा लग रहा था ये देखकर, क्योंकि मेरी डॉटर भी बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि केवरी को ऐसी पार्टी चाहिए थी जहाँ पे केक्स हो, डांस हो, मस्ती हो, धमाल हो, उसके सारे फ्रेंड्स हो, क्योंकि वो अलग अलग वीडियोस में ऐसा ही देखती थी। और उसे खुश देखकर हम लोग भी बहुत खुश थे। हाँ, अब तक हमने उसे कोई गिफ्ट नहीं दी है, जो अभी हम लास्ट में देंगे। तो एंड तक वीडियो देखना कि हमने उसे क्या गिफ्ट दिया है। और अभी एक और चीज़ सबको देनी बाकी है, वो भी हम देंगे। हमने सबको रिटर्न गिफ्ट में बहुत सारी मेमोरीज दी, खुशियाँ दी, और यही था हमारा रिटर्न गिफ्ट इनके लिए। क्योंकि और कुछ देते तो वो सिर्फ़ एक चीज़ रह जाती, ये उनको याद रहेगा हमेशा कि उन्होंने केवरी का ये बर्थडे पार्टी कैसे इंजॉय किया था और किस तरह से डांस किया था। बस अब ये लास्ट सॉन्ग है राता लंबिया हमारे पार्टी का, और उसके बाद मैं इन सबको देने वाली हूँ आइसक्रीम। और आइसक्रीम खाने के बाद ये लोग थोड़ी देर और खेलेंगे,
और फिर जब उनकी मम्मी उनको लेने आ जाएगी तब वो चले जाएंगे। मैं किसी को भेजने वाली नहीं हूँ। दे आर फ्री टू डांस, जब तक इनको डांस करना है वो कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कितनी बलून्स फोड़ के सबने कचरा कर दिया है, तो बस ये जाएंगे। फिर मैं लग जाऊँगी साफ सफाई में, सारे बर्तन पड़े हुए हैं। बट ठीक है, ये सारा काम बहुत कम है इन सब की हैप्पीनेस के आगे। आप देख सकते हैं कि उरी कितनी खुश होकर खेल रही है। तो बस उसका ये बर्थडे बहुत ही मेमोरेबल रहा हम लोगों के लिए। हर बार हम घर पे छोटी सी पार्टी करके बाहर खाने चले जाते थे, बट इस बार हमने घर पे ही सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। और ये बहुत ही हमारे लिए यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम अकेले ही थे ये सब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। बट बहुत अच्छे से हो गया। पार्टी छोटी हो या बड़ी, अच्छे से होनी ज़रूरी है बिना गड़बड़ के, और वो हो गई। सो वी आर हैप्पी फॉर दैट। और अब मैं इन सबको दे रही हूँ आइसक्रीम। कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया। रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, बिन बीते सारा तेरी फिक्र में। मैं सारी तेरी खैर मनाऊं, आइसक्रीम आइसक्रीम यू स्क्रीम आइसक्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो आइसक्रीम आइसक्रीम करने के बाद सब लोगों ने की गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। हाँ, उसके सब फ्रेंड्स ने मिलके उसके साथ उनके गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की, और सब ने देखा कि उनको खेवरी को क्या क्या गिफ्ट मिली है। काफ़ी बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि मम्मी ने क्या गिफ्ट को पैक करके दिया है। और फिर सब ने खेला टॉयज़ के साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, रात के बज गए थे 10, पार्टी शुरू हुई थी 8 बजे, और फिर एंड में हमने केवरी को उसकी बिग वाली बाबी डॉल गिफ्ट की। और अब मैं हो गई हूँ थक, मैंने की सारी सफाई। तो गाइस, सब रात के बज गए 11:30 और अब नींद आ रही है। पूरा घर क्लीन कर दिया है मैंने, देख सकते हैं आप। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। पूरा घर क्लीन है। ये बेड पे सब सुबह के कपड़े निकाल के रखे हैं, केव का यूनिफॉर्म, मेरे कपड़े, स्वेटर, ताकि जाते वक्त सब ढूंढना ना पड़े, फटाफट मिल जाए। बाकी सब क्लीन है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ येस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। 100 लाइक्स गिव 100, 200, 300, 400, 500 लाइक्स एंड डू कमेंट हैप्पी बर्थडे इन कमेंट सेक्शन फॉर माई डॉटर। Thank you so much for watching this video. Bye.